आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान 1937 में जेल में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी लाया गया था। सुभाष चंद्र बोस यहां अपने दोस्त डॉक्टर धर्मवीर की कोठी कायनास में रुके थे और 5 महीने यहीं रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया था। नेताजी सुबह शाम डलहौजी की सड़कों पर सैर किया करते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे के साथ आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है। 1937 में जब वो जेल में थे तो उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए डलहौजी का रुख करना पड़ा था, और ये ठीक वही डलहौजी की सड़कें हैं जहाँ सुबह शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैर किया करते थे। और यहाँ पे एक सुभाष बावली है जहाँ पे स्वच्छ और प्राकृतिक पानी का एक बावली बनाई गई है जहाँ सुभाष चंद्र बोस यहाँ उस पानी को पिया करते थे। उस पानी के पीने के बाद और यहाँ की शुद्ध हवा को लेने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई थी और उसके बाद वो फिर दोबारा से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। कायनास कोठी के चौकीदार पवन कुमार ने बताया कि 1937 में उनके दादा यहाँ पर चौकीदार हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि उनके दादा के अनुसार इसी कोठी में रहकर नेताजी स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद वापस दिल्ली लौटे थे। कायनास स्टेट का केयर टेकर हूँ। इससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पे केयर टेकिंग करते थे 40-50 सालों से, और 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे जो ओनर थे डॉक्टर धर्मवीर उनके साथ यहाँ 6 महीने के लिए ठहरे थे और उनका स्वास्थ्य लाभ थोड़ा ख़राब था, तो उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो डॉक्टर धर्मवीर थे वो अपने साथ यहाँ लाए थे उनको, और यहाँ पे 6 महीने उनका ट्रीटमेंट किया और 6 महीने यहाँ कायनास एस्टेट में वो ठहरे थे। यहाँ बाहर बैठ के हवा पानी ताज़ा उसका वो लेते थे आनंद, और इस रूम में उनका स्टडी रूम था, ये वाले रूम में वो सोते थे, और यहाँ से फिर सुबह सैर करने सुभाष बावली जाते थे। वहाँ पे एक झरना है उसका पानी पीते थे, सतधारा पंचपुला रोड पे जो है वहाँ का पानी और ताज़ी हवा लेके, तो उनका 6 महीने के बाद मतलब के स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसके बाद वो यहाँ से चले।